हेलो दोस्तों हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर थ्री कर रहे हैं फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डेल डॉट ग्रेड एफ एट द पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस द स्वेयर एफेक्ट इज गिवेन ठीक है तो जिसका भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होता है ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है ए में दो में पूछा गया तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ़ फाइव इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या फार्मूला होता है ग्रेट फाई डॉट ए कैप ए कैप मतलब ए वेक्टर अपॉन मार्ड ऑफ ए वेक्टर तो जिसका भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है वो फंक्शन स्केलर होना चाहिए और उसका हम लोग ग्रेडियंट निकाल लेंगे और डाट करा देंगे किससे जिस वेक्टर डायरेक्शन में निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से डाट करा देंगे तो ए वेक्टर अपन मार्ड ऑफ ए वेक्टर से डाट करा दिया ये तो फार्मूला हो गया अब देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका निकालना है इतनी क्वांटिटी का इस क्वांटिटी का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है जबकि एफ दिया हुआ है ठीक है तो हम लोग इसका पहले तो ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसके बाद जो भी आएगा उसका ग्रेडियन निकालेंगे इस पूरे का ग्रेडियन निकालेंगे है ना क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाइव फाइव की जगह पे हमारा इतनी क्वांटिटी है इसका हम लोग ग्रेडियन निकालेंगे तो वो हमारा ग्रेड फाइव बनेगा फिर इसके नॉर्मल वेक्टर से किस किसे डायरेक्शन नॉर्मल टू द सर्फेस इस सरफेस के नॉर्मल पर नॉर्मल की डायरेक्शन में निकालेंगे डायरेक्शनल डेरवेट्यू तो सरफेस पे नार्मल कैसे निकलता है हम लोग इस सबको लेफ्ट साइड ले जाके कर फाइव मान लें या फाइव वन मान लें उसका ग्रेडियन निकालें तो ग्रेड फाइव हमेशा नॉर्मल देता है ठीक है ग्रेड फाइव की वैल्यू हमेशा क्या देती है नॉर्मल तो एन कैप निकालेंगे तो एन कैप से हम लोग डांट करा लेंगे ठीक तो चलिए शुरू करते हैं तो अब क्या करें सबसे पहले तो ये वैल्यू निकालें तो f दिया है तो हम पहले f वेक्टर f दिया हुआ है जो कि स्केलर फंक्शन है अब इसका डेल f निकालो डेल f डेल f का मतलब होता है ग्रेड f ग्रेड f क्या होता है i कैप डेल f डेल f अपॉन डेल x प्लस j कैप डेल f अपॉन डेल y प्लस k कैप डेल f अपॉन डेल z तो i कैप इसका एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो कितना हुआ सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड पावर फोर आई कैप प्लस जे कैप के साथ में इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए तो हो जाएगा आपका फोर फोर वाई एक्स क्यूब जेड पावर फोर फोर एक्स क्यूब वाई जेड की पावर फोर जे कैप प्लस जेड जेड के रिस्पेक्ट में करिए डेरिवेटिव पार्सली तो हो जाएगा एट जेड क्यूब तो एट एक्स क्यूब तो है ही है वाई स्क्वायर भी है और ये जेड क्यूब हो जाएगा तो एट जेड क्यूब इंटू के कैप तो आपने निकाल लिया ग्रेड एफ उसके बाद इसको डाट करा दो डेल से है ना डेल डॉट ग्रेड एफ है ना इस डेल डॉट ग्रेड एफ इसको डाट प्रोडक्ट करा दो डेल से डेल क्या होता है आई कैप प्लस आए, डेल की वैल्यू क्या होती है डेल होता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल की वैल्यू होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड क्या नाम है इसका वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है तो देखिए हम लोग इसको डेल से ग्रेड एफ को डाट कराएंगे तो ए, क्या हो जाएगा जो आई कैप का कोफिशियंट है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और जे कैप के कोफिशियंट को वाई के रिस्पेक्ट में और के कैप के कोफिशियंट को जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके ऐड कर लेंगे तो इसका डाइवर्जेंस निकल आएगा मतलब डेल आ जाएगा डेल डॉट ग्रेड एफ निकल आएगा ठीक है तो चलिए इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँ तो कितना हुआ देखिए ट्वेल्व ट्वेल्व एक्स वाई स्क्वायर जेड के जेड की पावर फोर प्लस इसका वाई के रिस्पेक्ट में करो तो फोर एक्स क्यूब जेड की पावर फोर और इसको कर लीजिए जेड के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा थ्री और यहाँ एट है ये तो ट्वेंटी फोर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर बन जाएगा है ना इसका डेरिवेटिव हो जाएगा थ्री जेड स्क्वायर थ्री इसके साथ था यार और जेड स्क्वायर यहाँ इंटू में रहेगा अब ये जो था इसी का हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना था है ना डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिर्ण इसी क्वांटिटी का निकालना था तो हम लोग इसको अब फाइव मान लेते हैं ठीक है इसको हम लोगों ने फाइव मान लिया फाइव इज इक्वल टू दिस अब क्या करेंगे इसका ग्रेट फाइव निकालेंगे है ना जिसका भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उस क्वांटिटी का ग्रेट फाइव निकालेंगे है ना ग्रेट ग्रेट निकालेंगे तो ग्रेट फाइव निकाल लीजिए फिर वही काम है ग्रेट फाइव कैसे निकलेगा इसको फाइ आपने माना है तो इस पूरे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इंटू आई कैप प्लस इस पूरे को j के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इंटू जे कैप प्लस पूरे को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली इंटू के कैप तो ये हमारा ग्रेड एंड ग्रेड फाई आ जाएगा तो चलिए देखिए इसको x के रिस्पेक्ट में करिए तो क्या हुआ ट्वेल्व वाई स्क्वेयर जेड की पावर फोर प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वेर इंटू जेड की पावर फोर और इसको ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर इंटू थ्री सेवेंटी टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप प्लस इसको वाई के रिस्पेक्ट में करिए तो ट्वेंटी फोर वाई एक्स वाई जेड की पावर फोर प्लस इसका वाई के रिस्पेक्ट में करिए तो वाई तो है ही नहीं जीरो हो गया इसका इसका वाई के रिस्पेक्ट में ट्वेंट वाई स्क्वायर का टू वाई सो ट्वेंटी फोर्टी एट फोर्टी एट एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर गया इंटू जे कैप प्लस के के रिस्पेक्ट में करिए इस पूरे का के के रिस्पेक्ट में सॉरी जेड के रिस्पेक्ट में तो ये हुआ फोर्टी जेड की पावर फोर का हो जाएगा फोर जेड क्यूब तो वो ट्वेल्व इंटू फोर फोर्टी एट एक्स वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब प्लस इसका कर लीजिए तो जाएगा सिक्सटीन इंटू एक्स क्यूब जेड क्यूब सिक्सटीन एक्स क्यूब जेड क्यूब प्लस इसका कर लीजिए तो ये हुआ टू जेड मतलब फोर्टी एट एक्स क्यू वाई स्क्वायर इंटू जेड के कैप ठीक है तो ग्रेट फाइव निकल आया अब हमें किस पॉइंट पर निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव पी पॉइंट पर वन माइनस टू और वन पर निकालना है तो यहाँ वैल्यू रख लीजिए ग्रेट इसमें ग्रेट फाइव एट पॉइंट पी वन माइनस टू वन मतलब एक्स की जगह वन वाई की जगह माइनस टू और जेड की जगह वन रखना है तो देखिए एक्स और जेड तो वन है एक्स और जेड वन है वाई की वैल्यू माइनस टू तो वाई स्क्वायर का मतलब हुआ आपका माइनस माइनस टू का स्क्वायर मतलब फोर आ गया तो ट्वेल्व इंटू फोर फोर्टी एट हो गया जेड की वैल्यू वन है एक्स जेड एक्स वन और जेड वन तो ये ट्वेल्व ही रहेगा और ये एक्स जेड वन है वाई का स्क्वायर मतलब फोर ये फोर हो जाएगा तो सेवेंटी टू इंटू फोर टू सेवेंटी टू इंटू फोर तो फोर टू टाइम्स एट और सेवन फोर टाइम्स ट्वेंटी एट और ट्वेंटी एट है ना टू एट एट आ गया आई कैप इसमें देखिए एक्स और जेड में वैल्यू रखेंगे तो ये तो वन हो गया वाई आ जाएगा वाई की वैल्यू माइनस टू से माइनस का फोर्टी एट हो गया इसमें एक्स और जेड वन है और वाई की वैल्यू माइनस टू वाई की वैल्यू माइन वाई की वैल्यू माइनस टू रखेंगे तो देखिए क्या आएगी वैल्यू तो यहाँ पर जब वाई की वैल्यू आप रखेंगे माइनस टू तो फोर्टी एट इंटू माइनस टू माइनस का नाइन्टी सिक्स हो गया और इंटू जे कैप और इसमें देख लीजिए एक्स की वैल्यू एक्स जेड वन रखते ही है तो वन हो गया यहाँ पे फोर आ जाएगा तो फोर्टी एट इंटू फोर ये भी आपका न, कितना हो जाएगा फोर्टी एट इंटू फोर वन नाइन्टी टू है ना वन नाइन्टी टू हो गया और इसमें एक्स जेड वन है तो प्लस का सिक्सटीन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका एक्स जेड वन है इसका मतलब फोर से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी वन नाइन्टी टू आ गया है इंटू के कैप तो कितना हुआ आई कैप देख लीजिए आई कैप एट इंटू एट प्लस टू टेन प्लस एट एट्टीन हो गया और एट नाइन uh, और एट नाइन और फोर थर्टीन हो गया एक वन फोर्टीन हो गया और ये हो गया टू और थ्री थ्री फोर्टी एट आई कैप माइनस का माइनस फोर्टी एट माइनस नाइन्टी सिक्स वन फोर्टी फोर जे कैप प्लस ये हो जाएगा आपका वन ऐड टू कर लीजिए तो फोर हंड्रेड हो गया पूरा के कैप तो ये तो हो गया आपका ग्रेड फाइव की वैल्यू अब हम लोग जिस डायरेक्शन में निकालना है उसका वो डायरेक्शन पता करें डायरेक्शन कह रहे थे कि इसके सर ये जो सरफेस दिया है इस पर नॉर्मल की डायरेक्शन में निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो हम लोग क्या करें इसको लेफ्ट साइड में ले जाके उसको फाइव वन मान लें और ग्रेट फाइव निकाल के ग्रेट फाइव वन निकालेंगे फिर एन कैप इज इक्वल टू ग्रेट फाइव वन अपान मार्ड ऑफ ग्रेट फाइव वन ये नॉर्मल निकालने का तरीका है एन कैप इज इक्वल टू ग्रेट फाइव वन अपॉन मार्ड ऑफ ग्रेट फाइव वन है ना तो हम चूँकि फाइव हम इसको माना था तो इसलिए हम लोग इसका इसको फाइव वन मान लेते हैं तो फाइव वन इक्वल टू इसको लेफ्ट साइड में कर लीजिए सब इसको लेफ्ट साइड में कर लीजिए और फाइव वन मान लीजिए तो ये हमने फाइव वन मान लिया अब इसका डिफ्रेंशिएट उसका ग्रेड फाइवर निकालो तो क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो वाई स्क्वायर जेड माइनस थ्री आई कैप प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा टू एक्स वाई जेड टू एक्स वाई जेड जे कैप जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू जेड के कैप इस पॉइंट पे निकाल लो वन माइनस टू और वन तो एक्स की जगह पर वाई और जेड वाई ये हो जाएगा आपका प्लस का फोर माइनस थ्री वन फोर फोर माइनस थ्री प्लस का वन आएगा फोर माइनस थ्री ये प्लस का वन आया और ये हो जाएगा माइनस का फोर माइनस का फोर जे कैप और ये जीरो देखिए ये हुआ आपका प्लस का फोर प्लस का वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू फोर वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई कितनी फोर इंटू वन फोर माइनस टू प्लस का टू आ जाएगा फोर माइनस टू प्लस का टू आ जाएगा ये ठीक है तो एन कैप की वैल्यू हो गई ग्रेट फाइव वन अपन ऑफ ग्रेट फाइव वन एट पॉइंट पी ठीक है तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे तो आपने ए निकाल लिया था तो एन कैप की वैल्यू हो गई ये आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस टू के कैप अपॉन अंडर रूट ट्वेंटी वन तो रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू ग्रेट फाइव एट पॉइंट पी डॉट एन कैप तो पी पॉइंट पर ग्रेट फाइव की वैल्यू ये आई है और डाट करा दीजिए इससे एन कैप से डाट करा दूँ तो कितना आया थ्री फोर्टी एट वन फोर्टी फोर इंटू फोर फाइव सेवेंटी सिक्स हो गया प्लस एट हंड्रेड है ना एट हंड्रेड और अपान में अपान में अंडर रूट ट्वेंटी वन इनको ऐड कर लीजिए तो सेवेंटीन ट्वेंटी फोर अपॉन अंडर रूट ट्वेंटी वन ये आंसर हो गया ठीक है थैंक यू